नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत नोटबंदी से जुड़ी अभी की सबसे बड़ी खबर से। जी हां, आज नोटबंदी का 45वां दिन है और आज इनकम टैक्स विभाग ने अब तक के कैश और संपत्ति के जो आंकड़े जारी किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। नोटबंदी के बाद आजाद भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी हुई है और ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अब तक इनमें 90 करोड़ से ज्यादा का नया नोट जमा मिला है। अब तक 505 करोड़ के नोट बरामद, 3590 अघोषित संपत्ति का खुलासा। बरामद नोटों और संपत्ति के खुलासे के ये आंकड़े आयकर विभाग के हैं। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद से 21 दिसंबर तक आयकर विभाग ने अलग अलग शहरों में कार्रवाई कर 505 करोड़ की रकम जब्त की है। सूत्रों के मुताबिक 505 करोड़ की बरामद रकम में 93 करोड़ के नए नोट हैं, जबकि बाकी पुराने नोट शामिल हैं। 3590 करोड़ की अघोषित संपत्ति का भी खुलासा हो चुका है। आयकर विभाग नोटबंदी के बाद पकड़े गए ऐसे 215 केस प्रवर्तन निदेशालय को, जबकि 185 केस सीबीआई को भेज चुका है। साथ ही 3589 मामलों में नोटिस जारी कर दिया गया है। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर की रात प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। काले धन के मालिकों की कमर तोड़ने के लिए 8-9 नवंबर की आधी रात से ही 500 और 1000 के पुराने नोटों पर पाबंदी लग गई। तभी से आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और दूसरी जांच एजेंसियों ने काले धन के सरगनाओं के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने या उसे सफेद करने का भी दौर शुरू हो गया और इसी कड़ी में बरामद होने लगे नए और पुराने नोटों के बंडल। लेकिन चौकस आयकर विभाग ने लगातार कई शहरों में कार्रवाई की और अरबों की अकूत रकम का खुलासा कर दिया। अभी तक बरामद नोटों का आंकड़ा 505 करोड़ तक पहुंच चुका है। शहर शहर नोटखोरों से बरामद कैश का सिलसिला अभी भी जारी है। कुछ आंकड़ों पर गौर फरमाइए। चेन्नई 1,34,00,000 22 दिसंबर, ये आंकड़े गवाह हैं कि कोलकाता से मुंबई तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के कोने कोने में नोट पकड़े जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर चेन्नई, मुंबई, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में नोटों का जखीरा पकड़ा जा चुका है और ऐसे खुलासों का दौर लगातार जारी है। उम्मीद है देश की तिजोरी काटने वाले ब्लैक मनी के कुछ और मालिक जल्द बेनकाब होंगे और 505 करोड़ का ये आंकड़ा दूर जाकर रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।